ओके, सो एवरीवन वेलकम टू द स्ट्रीम। ठीक है, तो आज मैं हूँ फिर से अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में, जिसमें आज का हमारा मेन मोटिव है कि हम बनाएंगे आज एक इंचांटमेंट हाउस। ठीक है, जहाँ पे मैं इंचांट करूँगा। बट सबसे पहले भाई, क्योंकि हमें नेदर भी जाना है बहुत जल्दी और भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, तो चलो सबसे पहले भाई करना शुरू करते हैं। तो पहली बात तो मुझे जगह देखनी होगी कि कहाँ बनाया जाए। तो आई थिंक हमारा ये क्या कहते हैं, ये वाला इलाका फार्म के बगल में। तो चलो शुरू करते हैं, सबसे पहले इस एरिया को क्लीन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। A few moments later. Alright guys, जैसा कि हमने एरिया प्लेन कर दिया है, ऑलमोस्ट इसी एरिया पे मैं अपना वो बनाऊंगा। ठीक है, इसके जस्ट थोड़े आगे में या इस साइड में। ठीक, और अभी मैंने पीछे फार्म का भी थोड़ा बहुत ऐसा सही कर दिया है। इधर से हम वापस से इसी एरिया पे बनाएंगे। ये तो थोड़ा दो ब्लॉक ऊंचा बन गया गलती से, लेकिन अब इसको क्या करेंगे कि हम इतना काट के ये वाला एरिया प्लेन कर देंगे इस तरफ में। बाकी चलो अभी मुझे लकड़ियाँ बहुत सारी चाहिए, तो लकड़ियाँ कलेक्ट करके लाता हूँ। एटलीस्ट 4 स्टैक। देखो, ज़्यादा बड़ा बिल नहीं बनाऊँगा, मीडियम साइज छोटा सा ही बनाऊँगा। अगर तुम लोगों ने मेरी पॉकेट कह सकते हैं बेडरॉक सीरीज वाली देख रखी होगी, तो उसी को थोड़ा रिप्लीकेट करने का ट्राई करेंगे। तो चलो चलते हैं, पेड़ काट के लाते हैं। हमें स्टेयर्स वगैरह भी बनानी होंगी कुछ। इन्वेंटरी में आप लोग देख रहे हैं कि भाई काफी ज्यादा लकड़ियां हो चुकी है, और अब भाई हम लोग अपना बिल्ड बनाना शुरू करते हैं। तो भाई मैं बिल्ड को ऐसा बनाऊंगा जैसे मैंने अपने बेडरॉक वर्जन में मैंने अपना इंचांटेड टेबल बनाया था, वैसे ही बनाऊंगा। ठीक है, और ये भी सेम मैं क्या कह सकते हैं कोबल स्टोन एंड ओक के वुड से ही बनाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कितने बाय कितने का एरिया लूँ, चैट कितने बाय कितने का एरिया लूँ ये बताओ। 10x10 का एरिया चैट ने कहा था, तो सबसे पहले चलो 10x10 का एरिया बनाते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ ही सही रहेगा, इस तरफ में बनाना। हम अपना इसका चेहरा इस तरफ में ही बनाएंगे। ठीक है, तो करते हैं इसी से अलाइन करते हुए चलते हैं ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. ऑल राइट गाइज, जैसा कि देखो 10x10 का एरिया हमने यहाँ मार्क कर दिया है। अब यहाँ यार देखो, एरिया छोटा ज़रूर है, लेकिन मुझे भाई वो बनाना है, इंचांटमेंट रूम बनाना है, तो इतना काफ़ी है। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं पिलर्स के लिए यहाँ पे ब्लॉक्स लगा लेता हूँ, ओक के स्लैब्स। ठीक है, और बाकी देखते हैं यहाँ पे, जैसे इसकी हाइट रख देता हूँ 5। यहाँ ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 गाइस, जैसा कि देखो यहाँ पे मैंने साइड का जो एरिया था उसको मैंने कोबल स्टोन से रिप्लेस कर दिया, और ये मैंने 5x5 के पिलर्स बना दिए। अब मैंने एक चीज़ ये सोची है कि जैसा कि मैंने यहाँ पे ऐसे स्टेयर्स लगा रखी, तीनों तरफ से ऐसे स्टेयर्स लगा देता हूँ, और ये जो है मैं इसको पूरा ओक प्लैंक से भर देता हूँ इन्हें। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन्हीं को वो कर देते हैं। ऑल राइट गाइज, ये देखो ये भी भर दिया है मैंने, बढ़िया लग रहा है भाई। आप पहले तो यार टिन करके आते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे और बाकी का काम करते हैं। ऑल राइट गाइज, जैसा गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले तो भाई हम चल के यहाँ पे स्टेयर्स लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ऐसे थोड़ा बहुत लुक आ रहा है। एक काम करते हैं, थोड़ा अंदर से भी लगा ही देते हैं। कौन सा जगह जा रहा है भाई यहाँ पे ये। ओके, देखो जैसा कि चारों, हाँ
चारों साइड से कितना बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ तो बीच में चाहूँ तो मैं, जैसा कि यहाँ पे चाहूँ तो चारों साइड में फेंस लगा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है यार फेंस लगाने का, या देखूंगा कुछ बढ़िया सा ऐसा चीज़ लगा दूँ कि मुझे ही आना जाना है इसलिए। और बीच में हमारा यहाँ सेंटर पे टेबल रहेगा, पर सेंटर ही नहीं है, वाओ भाई ये चार ब्लॉक के सेंटर के लिए देखेंगे इधर कुछ। और अब भाई जैसा कि मैं सोच रहा हूँ कि अब छत डिज़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता भाई, और मैं लाइक एस्थेटिक भाई इससे ज़्यादा और बढ़िया और कुछ नहीं बना सकता मैं, ठीक है, क्योंकि भाई ये मैं अपने थिंकिंग से बना रहा हूँ। हो सकता है इसको चाहूँ तो मैं थोड़ा डेप्थ में कर दूँ, लेकिन वो किसी और दिन करेंगे जब थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आएगा अपने वर्ल्ड का, अभी तो नहीं है भाई, अभी तो ट्रांसफॉर्मिंग का अरे यार अभी तो यार अपना वर्ल्ड बिगेन ही हुआ है और कुछ नहीं। बाकी चलो एक काम करते हैं, अब छत बनाते हैं क्योंकि छत की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अबे यार मैंने यहाँ पे वो नहीं किया था, यहाँ पे मैं सीढ़ियाँ बना के आ चुका हूँ। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। भाई तुम लोग को लग रहा होगा ना कि बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, नहीं भाई ऐसा ही भाई नॉर्मल स्पीड है मेरी ये। चलो ये करते हैं, या तो गाइज उसके बाद मैंने यार पूरा छत डिज़ाइन करा, और उसके बाद मैंने सोचा कि यार क्या ही करूँ यार, इतना सारा पार्ट तुम लोगों को दिखा के बोर नहीं करना था, इसी चलते मैंने अपना पूरा छत डिज़ाइन करा। और छत डिज़ाइन में भी भाई का उस टाइम तक कोई आया नहीं था। एंड अगेन यार ये बिल्ड मेरे को थोड़ी छोटा ही लग रहा है, ठीक है, और मैंने इसको लाइक ऑफलाइन जाके इसको कंप्लीट कर लिया। अगर कल किसी ने स्ट्रीम नहीं देखी होगी माफिया के DLC खेलते हुए, मैंने माफिया के DLC कंप्लीट करने के बाद इसको पूरा कंप्लीट कर दिया था। एंड अगेन मैं यही चाहूँगा कि तुम लोग यार इस वाली वीडियोस पर भी प्यार दिखाओ, ठीक है। अगेन मैं जल्दी ही अपने वीडियो फॉर्म में फुल वीडियो फॉर्म में इसको लेके आऊँगा, लेकिन तब भाई जब तुम लोग वीडियोस पर प्यार दिखाना शुरू करोगे। एंड बाकी यार मैंने ना पूरा एकदम इसको बनाने का भाई मेरा मेन मोटिव मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे को यार और पार्ट एडिट नहीं करना है यार, मैं पूरी तरीके से थोड़ा थक गया हूँ, इसी चलते मैं यार ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ जा रहा है मुझे। एंड क्योंकि भाई कोई अब रिव्यू देने वाला है नहीं, तो अपने से ही धीरे धीरे मैं जैसे तैसे कर रहा हूँ। तो होप सो अब मैं यार मैं तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पकाता वकाता नहीं हूँ, डायरेक्ट मैं तुम्हें उस वाले पार्ट पे ले जाता हूँ जहाँ मेरी छत कंप्लीट हो गई थी। तो बाकी एंजॉय दिस वीडियो, एंड हाँ अगेन किसी ने लाइक नहीं किया हमारे चैनल को प्लीज़ जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ओके। 2000 years later. All right guys, जैसा कि देखो क्या मस्त छत बना दी मैंने वुड और स्टोन के कॉम्बिनेशन से, छत का ऐसा लग रहा है पिरामिड ज़्यादा बना दिया मैंने, ठीक है, और नीचे ये मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। और एक काम करते भाई अंदर में भी मैं काम करता हूँ, ऐसे सीढ़ियाँ लगा देता हूँ साइड साइड से। A few moments later. All right, guys, जैसा कि तुम लोग अब देख पा रहे हो कि मैंने ऑलमोस्ट सारा सेटअप कंप्लीट कर दिया। इससे पहले तुमने जो भी देखा मतलब लाइक मैंने उसमें रिकॉर्ड कर रखा था एज अ आउट्रो, लेकिन वो हो नहीं पाया, मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो भाई कि मैंने ऑलमोस्ट इस सेटअप को पूरा कंप्लीट कर दिया, इवन और अच्छा बना दिया। लाइक यहाँ पहले मैंने स्टिकर्स वगैरह थी उसको हटा के मैंने फेंस लगा दिया, और यहाँ पे हमने अपना पूरा टेबल रेडी कर दिया। इसको भी मैंने ऑन स्ट्रीम कर रखा था, बट हर पार्ट यार उसके लिए मैंने नहीं रखा था। बाकी गाइज हाँ मुझे यार तुम लोगों की हेल्प चाहिए, कमेंट में बताओ कि भाई मुझे कौन कौन सी इंचैनमेंट्स करनी चाहिए अपने उस पर आर्मर पे, तो जल्दी से जल्दी हम लोग ड्रैगन को डिफीट कर पाएंगे। और आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, 30 लाइक्स का टारगेट है, ठीक है। अगर भाई तुम 30 नहीं तो 15 लाइक्स का टारगेट है, 15 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करते के साथ ही मैं एक और नई वीडियो ले आऊँगा। बाकी चलो मिलते हैं अब एक और अनदर वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।